नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान या बाल विकास के प्रश्नोत्तर का ये दूसरा वीडियो है। हम लगातार इस श्रृंखला को जारी रखेंगे दोस्तों, टेट के लिए, रीट के लिए और जो और भी एग्जाम होती हैं जिनमें शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, शिक्षण विधि होती हैं, उनमें ये वीडियो काफ़ी उपयोगी साबित होंगे आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, प्रश्नोत्तर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और बड़े आराम से प्रश्न को याद करते हैं। दोस्तों, अगर आप तल्लीनता से पढ़ोगे तो बहुत कुछ आपको मिलेगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न अपना है, कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो अपना प्रश्न है, कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो चलिए उत्तर को खोलने पर ही पता चलेगा, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर कोहलर ने अपना प्रयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न अपना है, आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन है? आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन है? दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था मनोविज्ञान के जनक कौन है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, और अब अपने सामने प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन है? तो चलिए देखते हैं, डेकार्टे को आधुनिक मनोविज्ञान का प्रथम मनोवैज्ञानिक माना जाता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत किसका है? तो संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है? तो उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, पता चल जाएगा किसका है, पावलव का है संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। दोस्तों, यहां यह है कि जो मनोविज्ञान के ये सिद्धांत हैं, इनके एक एक सिद्धांत के कई कई नाम हैं और हमें कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा सिद्धांत किसका है, कौन सा सिद्धांत किसने दिया। तो ये प्रश्नोत्तर के श्रृंखला के माध्यम से हम समझते चलेंगे और सबके प्रश्न आपको मिलेंगे कि किस सिद्धांत का क्या नाम है और किसकी देन है। चलिए नेक्स्ट, पावलोव के सिद्धांत को किन किन नामों से जाना जाता है? तो पूरा का पूरा देखिएगा, पावलोव के सिद्धांत को किन किन नामों से जाना जाता है? तो पावलोव के सिद्धांतों के नाम, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पावलोव का सिद्धांत है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इसी सिद्धांत का नाम है, चलिए जी संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, और आगे बढ़ते हुए संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। तो पावलोव के जो सिद्धांत हैं इनके एक तरह से चार नाम हैं, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी इसी को कहते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी है इसका नाम, और संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत भी इसका नाम। तो पावलोव के जो सिद्धांत हैं इनके चार नाम हैं, आप ध्यान रखिएगा, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि ये पावलोव के सिद्धांत हैं, याद हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अधिगम के क्रिया प्रसूत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अब देखिए, ये क्रिया प्रसूत सिद्धांत है और इसका प्रतिपादन किसने किया, इसका उत्तर देखते हैं। तो उत्तर अपने सामने हाजिर होता है, स्किनर ने अधिगम का क्रिया प्रसूत सिद्धांत है वो प्रतिपादन किया था, उसका प्रतिपादन किया। नेक्स्ट प्रश्न अपना है, जो शिक्षण विधियों से संबंध रखता है, किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो याद हो गया होगा आपको और आपने पढ़ा भी है, फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन जो शिक्षण विधि है उसका प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के को कहा जाता है, ये प्रश्न पिछले वाले वीडियो में भी आपके सामने था और इस वीडियो में तो याद हो जाना चाहिए, अगर आपने पिछला वीडियो देखा तो उत्तर तुरंत दिमाग में आ गया होगा। चलिए जी, सामाजिक अधिगम में, सामाजिक अधिगम में व्यक्ति क्या करता है कि दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, प्रत्यक्ष अनुभव से नहीं सीखता है, दूसरों के व्यवहार को देख करके सीखता है, उसको सामाजिक अधिगम कहते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक, तो ये प्रश्न भी मैंने पहले के वीडियो में दिया है,
मैंने इस वीडियो के संयोजन इस प्रकार से किए हैं कि पिछला जो देखा है तो आपको वो एक रिवीजन भी हो जाए, रिपीटेशन भी किया कुछ प्रश्नों का, तो आप देखिएगा। व्यक्तिगत कारक याद हो जाने चाहिएगा, बड़े धीरे धीरे चल रहे हैं। परिपक्वताएं आयु हैं वो अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक हैं, यानी खुद के व्यक्ति के निजी कारक होते हैं जिनसे अधिगम प्रभावित होता है। एक तो परिपक्वता और आयु दोनों चीजों से अधिगम प्रभावित होता है। चलिए ये प्रश्न भी ध्यान से देख लीजिएगा। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया, यह कथन। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया, यह कथन। याद हो ही जाना चाहिएगा, वुडवर्थ का कथन है ये। वुडवर्थ का कथन है, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया, यह कथन वुडवर्थ का है। चलिए जी, तत्परता का नियम किसने दिया? तत्परता का नियम दोस्तों याद हो तो यही कला है, उत्तर खोलते हैं, थॉर्नडाइक ने दिया था। चलिए, क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन था? क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक पावलोव थे। पावलोव ने क्लासिक स्थिति का प्रतिपादन किया। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने दिया? थोड़ा जल्दी चलता हूं, रिपीटेशन है। तो ये सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत उत्तर गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादियों ने दिया था। सेम प्रश्न है, बुद्धि का प्रतिचयन सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का प्रतिचयन सिद्धांत किसने दिया था? चलिए याद कर लीजिएगा, बिल्कुल सरल प्रश्न। जी एफ थॉमसन ने बुद्धि का प्रतिचयन सिद्धांत दिया था। जी एफ थॉमसन ने बुद्धि का प्रतिचयन सिद्धांत दिया था। चलिए जी, नेक्स्ट प्रश्न। डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। डाल्टन विधि के प्रतिपादक मिस हेलेन पार्कहर्स्ट हैं। बुद्धि किस प्रकार की योग्यता है? बुद्धि किस प्रकार की योग्यता है? उत्तर देखिएगा, जन्मजात योग्यता है। यह प्रश्न काफी बार पूछा जाता है। हम लोग सोचते हैं कि बुद्धि है वो बाद में अर्जित की जाती है या बाद में बुद्धि बढ़ती है, ऐसा कुछ नहीं है। बुद्धि बालक जन्म के साथ ही लेकर पैदा होता है, तो बुद्धि है वो एक जन्मजात योग्यता है और इसमें बाद में यानी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बुद्धि जन्मजात योग्यता है। बीने परीक्षा के अंतर्गत किसका मापन किया जाता है? बीने परीक्षा के अंतर्गत किसका मापन किया जाता है? सामान्य मानसिक उपलब्धि का। तो बीने परीक्षा के अंतर्गत सामान्य मानसिक उपलब्धि का मापन किया जाता है। बीने परीक्षा के अंतर्गत किसका मापन किया जाता है? सामान्य मानसिक उपलब्धि का मापन किया जाता है। चलिए जी, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है? मॉन्टेसरी विधि, चलिए जी, नाम से ही आपको याद हो गया होगा। खैर, मैडम मारिया मॉन्टेसरी ने मॉन्टेसरी विधि का प्रतिपादन किया। प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्रतिकारक विशेषक, प्रतिकारक और इसका दूसरा नाम विशेषक सिद्धांत भी है के प्रतिपादक कौन है? चलिए जी, उत्तर देखते हैं, आर बी केटल। केटल ने प्रतिकारक या विशेषक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही शानदार, बुद्धि का के और खे का सिद्धांत किसने दिया? खे का सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का के और खे का सिद्धांत किसने दिया? बहुत छोटा सा उत्तर है, खोलते हैं, हैब ने। हैब ने बुद्धि का के और खे का सिद्धांत दिया था। बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि इकाई का सिद्धांत, चलिए जी, बुद्धि इकाई का सिद्धांत देखते हैं। स्टैन एम जॉनसन ने बुद्धि इकाई का सिद्धांत दिया था। स्टैन एम जॉनसन ने। नेक्स्ट है,
बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन हैं? बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? देखिएगा उत्तर, रोचक प्रश्न है। बिने साइमन ने बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का प्रतिपादन किया था, इन्हीं के नाम पर यह है। बुद्धि परीक्षणों के जनक कौन हैं? अगला प्रश्न बहुत ही रोचक प्रश्न है, बुद्धि परीक्षणों के जनक कौन हैं? बिने, यानी बुद्धि परीक्षणों की शुरुआत किसने की थी? बिने ने की थी। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? एक खंड बुद्धि का सिद्धांत, चलो जी, एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? बिने ने दिया था। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने दो खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया था। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? चलिए उत्तर देखते हैं, स्पीयरमैन ने। द्विखंड और तीन खंड स्पीयरमैन ने दिए थे। सामान्य तथा विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? बुद्धि के सामान्य तथा विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? चलिए उत्तर देखने पर पता लगेगा कौन है जी, स्पीयरमैन, यानी बुद्धि का द्विवतत्व सिद्धांत दिया उन्होंने, और बुद्धि को सामान्य भी माना और विशिष्ट भी माना। बुद्धि का द्वय शक्ति सिद्धांत, बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? दो शक्तियों का सिद्धांत किसने दिया? चलिए जी उत्तर देखते हैं, किसने दिया है? स्पीयरमैन ने, यानी वही प्रश्न है लेकिन घूम फिर करके, यानी प्रश्न का रूप बदला है। ऊपर वाला प्रश्न था, यानी चलिए संज्ञानवादी पद्धति के प्रणेता हैं, संज्ञानवादी पद्धति के प्रणेता जीन प्याजे है ये, जी बढ़िया है, वह ब्रूनर संज्ञानवादी पद्धति के प्रणेता जीन प्याजे और ब्रूनर हैं। शिक्षा मनोविज्ञान को निश्चित और स्पष्ट स्वरूप प्रदान करने वाले हैं, शिक्षा मनोविज्ञान को निश्चित और स्पष्ट स्वरूप प्रदान करने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम पूछा है, तो चलिए उत्तर देखते हैं, ये थॉर्नडाइक हैं। थॉर्नडाइक हैं जिन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान को निश्चित और स्पष्ट स्वरूप प्रदान करने का कार्य किया है। बालक पर शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? बालक पर शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? चलिए जी रूसो। तो बालक पर शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित करने का श्रेय है वो रूसो को दिया जाता है। पूर्णाकार थ्योरी के जन्मदाता हैं, पूर्णाकार थ्योरी, चलिए जी वर्दाईमर और गेस्टाल्टवाद भी कहते हैं पूर्णाकार को, तो गेस्टाल्टवाद के जो जन्मदाता मान सकते हैं उनको वर्दीमर। त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत गेलफॉर्ड ने त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत दिया था। बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया? गेलफॉर्ड ने दिया था बुद्धि संरचना का सिद्धांत। एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है गेलफॉर्ड से संबंधित, सूज के सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? सूज के सिद्धांत का दूसरा नाम अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूज के सिद्धांत का दूसरा नाम अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी है। इद, ईगो व सुपर ईगो की अवधारणा के जन्मदाता हैं, इद, ईगो और सुपर ईगो की अवधारणा के जन्मदाता हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपका सही है, फ्राइड। किस सन में टाइडमैन ने सर्वप्रथम जीवन वृतांत विधि का प्रयोग किया था?
किस सन में टाइडमैन ने सर्वप्रथम जीवन वृत्तांत विधि का प्रयोग किया था? तो चलो जी उत्तर देख लेते हैं। 1787 ईस्वी में, 1787 ईस्वी में क्या था? किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? चलिए जी, मनोभौतिकी विधि में। किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? मनोभौतिकी विधि में अध्ययन किया जाता है। शिक्षा जीवन का अंग है ये कथन किसका है? शिक्षा जीवन का अंग है ये कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का। शिक्षा जीवन का अंग है ये कथन क्रो एंड क्रो का है। मापन व निरीक्षण पर विशेष बल किसने दिया? मापन व निरीक्षण पर विशेष बल किसने दिया? चलिए जी, व्यवहारवाद ने। व्यवहारवाद ने मापन व निरीक्षण पर विशेष बल दिया था। समुद्र में तैरते हुए हिमकंड से मन की तुलना किसने की थी? समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से मन की तुलना किसने की थी? चलिए, फ्रायड ने की थी। फ्रायड ने समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से मन की तुलना की थी। नेक्स्ट है, प्रेरणा किस प्रकार की प्रवृत्ति है? प्रेरणा किस प्रकार की प्रवृत्ति है? जन्मजात और अर्जित। तो प्रेरणा जन्मजात भी है और अर्जित भी है। नेक्स्ट प्रश्न अपना है, संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक कौन है? संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक कौन है? अल्बर्ट बांडूरा। तो संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक हैं वो अल्बर्ट बांडूरा हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई थी? मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई थी? चलिए जी, दर्शन शास्त्र से हुई थी मनोविज्ञान की उत्पत्ति। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया? तो सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया? यह कहा गया आत्मा का विज्ञान कहा गया। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा का, आत्मा फिर मन, तदुपरांत क्या खोया? सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा फिर मन तदुपरांत क्या खोया? चेतना। और फिर व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा। तो आत्मा, मन, चेतना और फिर व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा। चलिए, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कब कहा गया? तो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कब कहा गया? ये कहा गया 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया। चलिए, मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? तो ये विधायक विज्ञान है। विधायक विज्ञान है मनोविज्ञान। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन का विषय है। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन का विषय है। तो चलिए उत्तर देखते हैं। और अपना उत्तर है, मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का जो विषय है वो मानव का व्यवहार करना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, यानी समग्रता का सिद्धांत किसने दिया? प्रश्न रिपीट है, वर्दिमर व अन्य। चलिए, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है? तो यह है बालक। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बालक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किसका है? वाटसन का कथन है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह वाटसन का कथन है। समायोजन की प्रक्रिया में शोधन किसे कहा जाता है? तो समायोजन की प्रक्रिया में शोधन किसे कहा जाता है? देखिएगा, समायोजन की प्रक्रिया में शोधन किसे कहा जाता है? अपनी प्रवृत्तियों में सुधार करके उसे दूसरे रूप में प्रस्तुत करने को शोधन कहा जाता है। तो समायोजन की प्रक्रिया में
शोधन है वो उसको कहा जाता है कि अपनी प्रवृत्तियों में सुधार करके उसे दूसरे रूप में प्रस्तुत करने को ही क्या कह सकते हैं, शोधन कह सकते हैं। तो ध्यान से देख लीजिएगा कि सुधार करके दूसरे रूप में प्रस्तुत करना क्या है, शोधन कहा जाता है। सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया, सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया, चलिए जी गुथरी ने दिया था, सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत गुथरी ने दिया था। अगला प्रश्न अपना है पृथक्करण किसे कहते हैं, पृथक्करण किसे कहते हैं, पृथक्करण किसे कहा जाता है, चलिए जी उत्तर देखते हैं। ये देखिए काफी बड़ा उत्तर है, खोलते हैं, ये समायोजन में है और देखिएगा किसी अप्रिय स्थिति से व्यक्ति अपने आप को अलग कर लेता उसे पृथक्करण कहते हैं। तो अप्रिय स्थिति से व्यक्ति अपने आप को क्या कर लेता है, अलग कर लेता है, उसे कहते हैं पृथक्करण। तो याद हो गया होगा ये समायोजन की विधियां हैं। साइन या चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया था, साइन या चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया, टालमैन ने दिया था, साइन या चिन्ह का सिद्धांत है वो टालमैन ने दिया था। प्रतिगमन किसे कहते हैं, देखिए समायोजन की विधि प्रतिगमन, प्रतिगमन किसे कहते हैं, तो चलिए पूरा खोलते हैं उत्तर को, प्रतिगमन किसे कहते हैं, तो प्रतिगमन ये देखिएगा व्यक्ति निराशा या असामान्य व्यवहार के कारण अतीत में लौट जाता है उसे प्रतिगमन कहते हैं। तो व्यक्ति निराशा या असामान्य व्यवहार के कारण अतीत में लौट जाता है उसको क्या कहते हैं, प्रतिगमन कहते हैं, यानी पीछे चला जाना, अतीत में लौट जाना प्रतिगमन है। किस विधि में एक ही बालक का अध्ययन किया जाता है, किस विधि में एक ही बालक का अध्ययन किया जाता है, लंबात्मक विधि में, लंबात्मक विधि में एक ही बालक का अध्ययन किया जाता है। चलिए शिक्षा और मनोविज्ञान में किस तरह का संबंध है, शिक्षा और मनोविज्ञान में किस तरह का संबंध है, शिक्षा का आधार मनोविज्ञान है। तो शिक्षा और मनोविज्ञान का यह संबंध है कि शिक्षा का आधार क्या है, मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान के बगैर कोई शिक्षा नहीं दी जा सकती है। अगला है बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता वह खेलों के माध्यम से बाहर निकले निकाल दिया जाता है, ये तथ्य किस सिद्धांत का है। देखिए बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है, ये तथ्य किस सिद्धांत का है, ये तथ्य है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का तथ्य है कि बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता है वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है, ये अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत है, उसकी देन है। कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था, कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था, तो चलिए ये अध्ययन किया था उन्होंने लंबात्मक विधि का, कार्ल सी गैरिसन ने लंबात्मक विधि का अध्ययन किया था। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है ये कथन है, ये किसने कहा था, अरस्तु ने कहा था कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। छात्रों की संवेदनाएं और अभिवृद्धि जानने हेतु विधि है, छात्रों के संवेदना को जानने और अभिवृद्धि को जानने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है, साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया जाता है। छात्रों की संवेदना को जानने के लिए और अभिवृद्धि को जानने के लिए साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया जाता है। चलिए जी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया, इवान पेट्रोविच पावलोव ने, इवान पेट्रोविच पावलोव ने संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत दिया था। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव ने, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत ये ऊपर आया भी है प्रश्न में, हमने कहा था कि स्क्रीनशॉट ले लो, वही चीजें हैं।
चलिए पावलो के सिद्धांत के नाम है। प्रतिस्थापक का सिद्धांत किसने दिया? प्रतिस्थापक का सिद्धांत, प्रतिस्थापक का सिद्धांत किसने दिया? इवान पेट्रोविच पावलोव ने। तो पावलोव के सिद्धांत का नाम प्रतिस्थापक सिद्धांत भी है। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत, चलिए जी उत्तर देखते हैं, थर्स्टन ने। थर्स्टन ने समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया था। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है? युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है? थर्स्टन है। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि। शिक्षा मनोविज्ञान किसकी स्थापना में सहायता करती है, करता है? शिक्षा मनोविज्ञान किसकी स्थापना में सहायता करता है? चलिए जी उत्तर देखते हैं, शैक्षिक उद्देश्य को स्थापित करने में सहायता करता है। खेल गीतों व उपहारों द्वारा शिक्षा किस विधि में दी जाती है? खेल गीतों व उपहारों द्वारा शिक्षा किस विधि में दी जाती है? तो ये दी जाती है मॉन्टेसरी पद्धति में। खेल गीतों व उपहारों द्वारा शिक्षा मॉन्टेसरी विधि में दी जाती है। एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में प्रयुक्त होने वाली विधि है। एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में प्रयुक्त होने वाली विधि है, तो यह विधि है समाजमिति विधि। समाजमिति विधि में समूह का अध्ययन किया जाता है। चलिए जी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किंडरगार्टन विधि किस कौशल पर आधारित है? किंडरगार्टन, उत्तर खेल पर। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान में संरचनावादी विचारधारा के प्रवर्तक हैं? मनोविज्ञान में संरचनावादी विचारधारा के प्रवर्तक हैं? चलिए जी विलियम वुंट और टिचनर, विलियम वुंट और टिचनर माने जाते हैं। सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहां हुई थी? लिप्ज़िग जर्मनी में। तो सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना लिप्ज़िग जर्मनी में। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है? क्रमबद्ध अंतराल विधि, क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है? थर्स्टन है। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक थर्स्टन है। चलिए जी समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक कौन है? समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक थर्स्टन व चेव, थर्स्टन व चेव है समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक। न्यायदर्श या प्रतिदर्श या वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तीन सिद्धांत हैं, न्यायदर्श प्रतिदर्श या वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? एक ही सिद्धांत के नाम है ये तीनों, तो ये सिद्धांत दिया थॉमसन ने। थॉमसन के सिद्धांत के नाम है न्यायदर्श प्रतिदर्श या वर्ग घटक। पदानुक्रमिक क्रमिक महत्व दोनों नाम है ओब्लिक है, महत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? पदानुक्रमिक या क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया ब्रट एवं वर्णन ने, ब्रट एवं वर्णन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है, बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है? तो मनोवैज्ञानिक विधि है दोस्तों केस स्टडी, केस स्टडी मनोवैज्ञानिक विधि है। मानवीय चेतना के कितने अंग हैं? मानवीय चेतना के तीन, मानवीय चेतना के कितने अंग हैं? तीन। शिक्षा मनोविज्ञान की प्राचीनतम अध्ययन विधि है अंतर्दर्शन विधि। और चलिए सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? तो ये किया था वुडवर्थ ने। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि दोस्तों, आपका तैयारी का पैटर्न है वो बना रहे, और दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें।